स्क्रीनिंग भी रखी गई थी स्टार्स के लिए भी हमने पर्सनली जो बाइट्स लिए उसमें भी बहुत ही अच्छा रिव्यू मिला है। पर्सनली आपको कैसे अप्रिशिएट किया गया है आपके फैमिली फ्रेंड्स से फर्टिनिटी से क्या अप्रिशिएशन मिल रहा है आपको? हाँ बहुत अच्छा लगा यार, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, बहुत लोगों को पसंद आई, फिल्म भी पसंद आई और परफॉर्मेंसेस भी बहुत अच्छी लगी लोगों को। हाँ ओके सर, आप ये मूवी में एक पुलिस का किरदार निभा रहे हैं, इसके पहले हमने देखा है बहुत ही कॉमिक में, सीरियस में कभी नहीं देखा, पर इसमें बहुत ही अलग दिख रहा है, तो कैसा एक्सपीरियंस और थोड़ा कैरेक्टर के बारे में बताना चाहेंगे? कैरेक्टर है पुलिस ऑफिसर का जो कि सर्कल ऑफिसर है, सर्कल ऑफिसर होता है जो कि 3 या 4 थानों का इंचार्ज होता है, वहाँ पे पोस्टेड है, एक सिस्टम है वहाँ पे, उसको सिस्टम को चला रहा है जैसे स्मॉल टाउन में सिस्टम चलता है वैसे चला रहा है। एंड देन आईपीएस ऑफिसर जो कि आयुष्मान खुराना पोस्टेड होके आता है जो कि देखता है सिस्टम जैसे चलना चाहिए वैसे नहीं चल रहा है, और फिर कॉन्फ्लिक्ट होता है और फिर कैसे वो सिस्टम को सुधारना चाहता है, हम जैसे सिस्टम चलाते हैं वहाँ पर ऑलरेडी जैसे एग्जिस्ट करता है वो उसको सुधारना चाहता है, और फिर कॉन्फ्लिक्ट होता है और फिर कैसे आगे फिल्म बढ़ती है। ओके सर, ये मूवी को अनुभव सर डायरेक्ट कर रहे हैं, ये शायद तक आपकी तीसरी मूवी होगी उनके साथ? हाँ, तीसरी नहीं पांचवी फिल्म है। पांचवी फिल्म है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा और जो कॉन्सेप्ट ला रहे हैं मुल्क हो गए, इसके पहले जो जो मूवी लाए उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे क्योंकि बहुत ही इम्पैक्ट गिर रहा है और बहुत नए नए कॉन्सेप्ट ला रहे हैं? हाँ, बहुत ब्रेव है अनुभव सिन्हा के पार्ट पे इस तरह के सब्जेक्ट लाना, और बहुत सक्सेसफुली उन्होंने मुल्क से शुरुआत की जो कि बहुत ब्रेव मूव था, और उस तरह के सब्जेक्ट पे फिल्म बनाना, हम सभी डरे हुए थे कैसा रिस्पांस मिलेगा क्या होगा, लेकिन मुल्क की सक्सेस के बाद और स्पेशली बॉक्स ऑफिस में भी उसे सक्सेस मिला, और उसके बाद ये सब्जेक्ट उसके तो मतलब मैं कहूँगा कि उनको दाद देनी पड़ेगी उनको के इस तरह के सब्जेक्ट्स पे काम करना, और उनके लिए उनको बहुत तारीफ़ के काबिल है, और मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि जो मेरी एक इमेज बन गई थी एक कॉमेडी और एक हैप्पी गो लकी गाय फनी गाय, उसको ब्रेक करने का जो उन्होंने दोनों फिल्मों में मेरे को जिस तरह के कैरेक्टर्स दिए उससे मुझे तो बहुत ही फ़ायदा हुआ है। यही मेरे को बताया ना मैंने, इसमें मेरे को मुल्क में बहुत ब्रेक थ्रू मिला क्योंकि जिस तरह के यॉनर में कर रहा था उसमें बीच बीच में आते थे, मैंने किए हैं थोड़े थोड़े रोल लेकिन बहुत ज़्यादातर कॉमेडी में था, लेकिन मुल्क में मेजर ब्रेक थ्रू मिला क्योंकि बहुत इमोशनल कैरेक्टर था, उसके बाद इसमें तो एकदम आउट एंड आउट नेगेटिव कैरेक्टर है और इससे बहुत ज़्यादा लोगों को जिन्होंने भी देखी उन्होंने उनके लिए बहुत शॉकिंग था, बहुत जो कल भी आए थे देखने के लिए उन लोगों ने एकदम कहा कि ये तो बहुत ही शॉकिंग था कि आपको इस इमेज में देखना, हमारे लिए बहुत सरप्राइजिंग भी था और बहुत अच्छा लगा उन लोगों को। ओके सर, 2 दिन पहले सीबीएफसी का सर्टिफिकेट आया है, यूएस सर्टिफिकेट दिया, 4 कट्स, 2 वीडियो और 2 ऑडियो, सो एज अ आर्टिस्ट आप हैप्पी है जो कट्स मिले हैं, 2 ऑडियो और 2 वीडियो और यूएस सर्टिफिकेट? यूएस सर्टिफिकेट मिला है इससे बात से मैं मतलब खुश हूँ, मुझे मालूम नहीं है कटवर्ड क्या हुआ है, बाकी हाँ यूएस सर्टिफिकेट मिला है इस बात से मैं खुश इसलिए हूँ कि ज़्यादातर लोग देख पाएंगे और यंग लोग भी देख पाएंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग देखें उतना अच्छा है, इस तरह की फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, मैं तो चाहूँगा फिल्म टैक्स फ्री होनी चाहिए, और मेरा तो मानना है मुल्क जैसी फिल्म और ये जैसी फिल्म स्कूलों कॉलेजेस में फ्री दिखाई जानी चाहिए। ओके सर, बहुत सारे आपने आर्टिस्टों के काम किए हैं स्टार्टिंग से लेकर अब तक, यंग आर्टिस्ट के साथ भी आप काम करें आयुष्मान खुराना के साथ, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस, क्योंकि यंग आर्टिस्ट हैं वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं अपने जो करियर जो मूवी चुन रहे हैं वो, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, बहुत अच्छे हैं, बहुत प्रोफेशनल हैं, बहुत फोकस्ड हैं, अभी हमारे साथ आर्टिकल 15 में थे, बिल्कुल लगा नहीं कि अंधाधुन और बधाई हो जैसी दो इतनी बड़ी सक्सेसफुल फिल्म करके आए थे, इतनी बड़ी हिट थी उनकी फिल्म, लेकिन आर्टिकल 15 के सेट पे बहुत प्रोफेशनली फोकस्ड थे, कोई स्टारडम नहीं था, बिल्कुल डाउन टू अर्थ, एकदम अपने वेरी हार्ड वर्किंग, अपने काम से अपना लाइंस वगैरह याद करके आते थे, अपना काम करते थे और बिल्कुल नॉर्मल
ही वॉज वेरी फोकस्ड, वेरी हार्ड वर्किंग, और बहुत अच्छा काम किया उन्होंने इसीलिए। आर्टिस्ट तो आपने बहुत ही अच्छा अप्रिशिएशन हमेशा मिला है आपको, कोई नया जॉनर में आप कोई एक्सप्लोर करना चाहेंगे, जैसे डायरेक्शन हो गई मूवी या ऐसा कोई फ्यूचर में? अगर नहीं, लाइफ में कोई फालतू पंगे लेने की आदत नहीं है। एक काम कर लो, वो ढंग से कर लो, वही बहुत है। अभी एक्टिंग का काम जो है ना, उसके अंदर वो उसके अंदर ही बहुत स्कोप है अभी इम्प्रूवमेंट का। तो अभी धीरे से थोड़ा सा उसमें इम्प्रूवमेंट होना शुरू हुआ है, उसमें ही थोड़ा आगे स्कोप बहुत है अभी इम्प्रूवमेंट का। उसमें सीख रहे हैं थोड़ा थोड़ा और बेहतर, उसी को थोड़ा सा और अच्छा कर रहे हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा बस। ओके सर, कल स्पेशल स्क्रीनिंग थी, आपने जैसा कहा कि बहुत जन ने कहा अप्रिशिएट किया और कहा कि टैक्स फ्री भी होनी चाहिए, बट दूसरी जगह कोई बहुत सारे ऐसे सोशल वर्कर है जो कह रहे कि ये मूवी रिलीज नहीं होनी चाहिए, देखी नहीं है तो भी बोल रहे कि नहीं होनी चाहिए, ये बैन हो जानी चाहिए मूवी, आपका क्या टेक है एज अ आर्टिस्ट? तो आपने कल जो बात किया, बहुत जन ने बोला ऐसा कुछ नहीं, आपको क्या लगता है जो फिल्म देखे बिना बोल रहे वो सोशल वर्कर कैसे हो सकते हैं? वो तो एंटी सोशल वर्कर है ना, वो असामाजिक तत्व हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, उनका ऑफिस चल नहीं रहा, लड़के खाली बैठे हैं, कुछ तो करे, कहीं तो जाके तोड़ फोड़ करे, है ना। तो क्या है, कुछ पीला झंडा वंडा दिखाए, जाओ जरा तोड़ फोड़ करो, वो कोई काम नहीं है उनको। ऐसे लोगों को इग्नोर करना चाहिए, उनका काम उनको तवज्जो ही नहीं देनी चाहिए, तो वो बेकार की बात है, उनका कोई काम धंधा नहीं है, उन लोगों का काम यही है। तो इसलिए उनको जितना कम तवज्जो दें, उनको ना इग्नोर करें, वो बेटर है। हमारी फिल्म तो बिल्कुल क्लीन है, सेंसर ने भी क्लीन दिया है, चिट जुए सर्टिफिकेट दिया है, और लोग देखेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे, क्लियर है। ओके, लास्टली सर, कल मूवी रिलीज होने वाली है, सो कितने एक्साइटेड और क्या कहना चाहेंगे? कल एक ही दिन, कुछ समय ही बताया बस। हाँ, कल रिलीज होने वाली है, मैं तो लोगों को कहना क्या चाहूंगा, बस मैं लोगों से यही मतलब रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज जाइए देखिए, अच्छी फिल्म है, अच्छी लगेगी, प्लीज गो एंड वॉच आर्टिकल 15, पसंद आएगी आपको। Thank you, sir. Thank you. Thank you.